तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग रैंक पुशिंग, कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो फिलहाल देखो ये वाला आईडी मैंने उठाया था कल, तो इसका भी 100-150 पॉइंट के आसपास चाहिए था, 120-130 का पॉइंट का। तो मैं मतलब पुश कर रहा था, आज मेरा जो रैंक था ना भाई 500, 550 के अंदर आ गया था, 545 के आसपास चल रहा था रैंक। और तभी क्या ना भाई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से 45 का खतरनाक माइनस पूरे दिन में देख सकते हो। देखो ऑलरेडी ये मैच में भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था रात रात में भी, तो जिसकी वजह से उधर मैं पहुंच नहीं पाया था जो विलेज है ना। तो मैं सोचता हूँ अभी जाऊंगा तो शायद ऊपर से बंदा किल कर देना, फिर से मेरे को 40-45 का माइनस लगेगा। तो उससे बेहतर है यहाँ पे जो पिजन है ना इधर लूट लेते हैं, उसके बाद जो सीन होगा देखा जाएगा, इधर काफ़ी देर तक होल्ड करेंगे। तो फिलहाल वही सोच के मैं यहीं पर आ रहा हूँ। और यहाँ पे जो मतलब पेड़ पुश के आईडी में ना भाई जब माइनस लगता है ना भाई दिमाग ख़राब हो जाता है, सीधी सी बात है। क्योंकि भाई इतना मुश्किल से अभी के टाइम पे प्लस कितना मिल रहा है आप लोगों को पता ही है भाई, चिकन वगैरह तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, फिर भी मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। उसमें भी 10-15-12-13 इतना प्लस मिल रहा है, उसमें भी भाई इतना 45-45 का माइनस लग जाता है ना, कितना दुख होता है भाई क्या ही बताओ। फिर भी मैं 45 का जो माइनस लगा ना उसको रिकवर करके नए वीडियो बनाने आया हूँ। और देखते हैं अभी मतलब रात को मैं वीडियो तो एडिट कर रहा हूँ और एक दो मैच खेल लूँ ना तो शायद मेरे को 20-22 का प्लस और चाहिए, तो कॉन्कर हो जाएगा। 2 घंटे टाइम है तो लक अच्छा रहता है ना, तो हो जाएगा। जो भी सीन होगा ना आपको अगले वाले वीडियो में मतलब कल वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे सीन देखो, मैं यहाँ पे उतर गया था क्योंकि उधर जा नहीं सकता था, तो यहाँ पे थोड़ी देर लूट करते और यहाँ पे एक बॉट भी मिल के आता था, वो बॉट को भी किल करके ना जब तक मतलब जोन स्टार्ट नहीं हो रहा था फर्स्ट वाला जोन तब तक मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ और उसके बाद निकलते हैं जोन के अंदर। जोन स्टार्ट होने के बाद ना भाई मैं पावर वगैरह यूज़ करके थोड़ा सा क्लोज इन जाने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि उधर फाइट वगैरह हो रहा था तो मेरे को थोड़ा सा रिस्क रहेगा, क्योंकि देखो रिकॉल नहीं ले पाए ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा ध्यान से जाना पड़ेगा फिर पहली बात, क्योंकि यहाँ पे सामने कोई बंदा ऑलरेडी कैम करके बैठा है ना, तो भाई यहाँ पे माइनस लग जाए ना भाई सच बोल रहा हूँ मतलब लग जाता ना तो भाई कितना खतरनाक दुख होता भाई, मैं शायद आज नहीं खेलता। तो फिर भी जो भी सीन है यहाँ पे मैं आ गया था, फिर से मैं पावर वगैरह बूस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद निकलेंगे उधर। और वहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा रहता है कैम करके जिसके साथ फाइट होगा, तो सबसे पहले रिकॉल लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं रिकॉल की तरह मतलब पास जाऊंगा तो रिकॉल मिल जाएगा, रिकॉल लेने के बाद वहाँ पे लूटूंगा क्योंकि उतना कुछ खास लूट भी नहीं था। तो लकीली यहाँ पे रिकॉल भी मिल जाता है और मैं सोचता हूँ कि अभी तो यहाँ पे फाइट वगैरह नहीं है, नहीं हो रहा है मतलब कोई बंदा तो नहीं होगा शायद, ऐसा मैं सोचा था पर ऐसा नहीं था। मैं यहाँ पे घर ये जो सामने वाला घर है ना जो भी है इग्लू टाइप का उधर मैं आता हूँ, और तभी मेरे को फुटप्रिंट आता है कि भाई सामने बंदा है। तो भाई इधर मैं एकदम आके ना यहाँ पे कैम लगा लेता हूँ और सामने वाले घर पे बंदा था, मैं सोचता हूँ कि एक नेट ट्राई करते हैं। और तभी क्या सीन होता है देखो, बंदा मेरे पे रश करता है, भाई को तो खतरनाक ही मारा, क्योंकि भाई ने मेरे का मेरा लोकेशन था शायद उसको पता नहीं था, जो भी सीन था भाई को इजी किल कर देते। और मेरे पास एक फ्लेयर था भाई के क्रेट से मिल गया था, तो क्रेट वगैरह लूटने के बाद ना मैं फ्लेयर चला देता हूँ यहाँ पे और सीधा जो बीआरडीएम मेरे को मिल गया था, और बीआरडीएम ले लेने के बाद ना मैं इतना कुछ दिखाया नहीं था मतलब बहुत टाइम लग जाता वीडियो और भी लंबा बन जाता, तो इसको कट वगैरह करके ना मैं सीधा जोन के अंदर एंट्री ले रहा था। और भाई अब लोग कमेंट कर रहे हो कि भाई प्लस कैसे ज़्यादा निकाले, क्योंकि हर एक कमेंट में यही देख रहा होता हूँ कि भाई मेरा इतना प्लस बाकी है नहीं हो रहा है माइनस लग रहा है। तो देखो माइनस तो लगेगा भाई, आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूँ देखो गेम खेल रहे हो ना तो सर्वाइव पे ज़्यादा फोकस करो, किल नहीं चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो मैं 2 किल के साथ ना भाई पूरा जोन सर्वाइव करने के बाद ना मैं 4 जोन में जोन के अंदर एंट्री ले रहा हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही खेलो, आराम से खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना आराम से खेलोगे ना उतना मतलब क्या बोलूँ प्लस मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। और एक चीज़ की मैंने देखा कि माइनस तो लग रहा है, तो माइनस लगने के बाद ना आप भाई हाल ही छोड़ दे दो, मतलब गिव अप कर दे दो, भाई मेरे को खेलना नहीं है, ऐसा ऐसा सीन है मेरे को माइनस लग रहा है मेरे को खेलना नहीं है। भाई इतना क्लोज आके ना मान लो कि 150 का माइनस लग गया या 100 का माइनस लग गया उसके बाद आप छोड़ रहे हो भाई, तो भाई मैं क्या बोलूँ आप लोगों को खुद बताओ। भाई इतना क्लोज आके भाई छोड़ दियो तो भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, मैं बोलूँगा ना भाई अभी ट्राई करो भाई, आराम से होगा, अभी भी बहुत टाइम बाकी है, तो उसके बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे जोन क्लोज इन हो गया था और मैं सोचता हूँ यहाँ पे जोन है तो यहाँ पे आके रुकता हूँ, और तभी यहाँ पे एक बंदा रहता है।
यहाँ पे जब भी गाड़ी लेके आता हूँ ना, एक बंदा शॉटगन लेके तो निकलता है और शॉटगन उसका जब रिलोड में लगता है ना, उसको किल कर देता है। तभी यहाँ पे कैप्सूल वाला बंदा भी आ जाता है, जिसको भी बहुत मुश्किल से मारा हूँ। मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि #10 हुआ ही नहीं है, ऊपर से फाइट वगैरह करने में मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है भाई। यहाँ पे बाई चांस किल वगैरह हो जाऊँ ना तो भाई दिक्कत हो जाता है। तो हमेशा एक कोशिश करो कि एक टारगेट बना लो कि भाई जितना हो सके सर्वाइव करूँगा, #10 निकालूंगा, उसके बाद फाइट लूँगा। मैं तो यही करता हूँ भाई, किल के चक्कर में पड़ोगे ना तो दिक्कत होगा। हमेशा भागने की कोशिश करो, एक छोटा मतलब जितना हो सके उतना छोटा कवर मिल जाए ना वहाँ पर सर्वाइव करो, तो फिर आराम से प्लस निकाल पाओगे। तो फिलहाल यहाँ पे सीन देखो कि एक बंदा यहाँ पे ऑलरेडी कैम करके बैठा था, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था। फुटपिन जब आता है बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और मैं देखता हूँ फाइट वगैरह भी लूँगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही सेकंड बाद ना जोन स्टार्ट होने वाला है। तो मैं सोचता हूँ सबसे पहले जोन में चलते, क्योंकि इस जोन में सर्वाइव करना मुश्किल होगा और नेट वगैरह भी उतना दूर नहीं जा रहा था यहाँ से। तो मैं सोचता हूँ अभी छोड़ते, अभी जो होगा बाद में देखा जाएगा, क्योंकि #10 अभी तक नहीं हुआ। ये दिमाग में मेरा हमेशा रहता है कि देखो #10 निकालूंगा उसके बाद ही फाइट लूँगा, उसके बीच में ना ईजी फाइट हो सकता है। गाड़ी मतलब कार वगैरह स्प्रे वगैरह कार में स्प्रे वगैरह दे के ना गाड़ी मतलब बंदे को निकाल पाता हूँ तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई मैं ऑन वी वन फाइट इग्नोर करता हूँ। ऊपर से भाई ऑन वी वन फाइट में मैं 80-90% मतलब टाइम हार जाता हूँ। क्यों आपको पता है भाई, लो एंड डिवाइस के साथ ना भाई यहाँ पे जो भी बंदा स्लो में पुश कर रहा है ना, मैं देख रहा हूँ सबके पास हाई एंड डिवाइस है। क्यों भाई, ऑन वी वन फाइट लेने जा रहा हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मेरे साथ भाई, इतना फ़ोन अटकता है भाई क्या ही बोलूँ। तो फिलहाल देखो यहाँ पे जोन के अंदर मैं एंट्री ले लेता हूँ और यहाँ पे आसपास देखता हूँ कोई बंदा तो नहीं है। तभी मेरे को साइड में एक कैप्सूल वाला बंदा दिखता है, तो मैं सोचता हूँ उसको थोड़ा सा पोजीशन ले लेने देते हैं, उसके बाद नेट वगैरह करेंगे या मतलब स्प्रे वगैरह लेंगे। तो तभी देखता हूँ कि बंदा यहाँ से भाग जाता है। फिर भी मैं यहाँ पे मतलब स्प्रे वगैरह लेने की ट्राई तो करता हूँ पर कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर मैं सोचता हूँ जोन के मतलब जोन भी थोड़ा सा आगे बन गया था, तो यहाँ पे मैं जोन के अंदर एंट्री लेता हूँ। मार मेरे पास BRDM था ना भाई, उसकी वजह से ना कितना इजीली मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ। देख रहे हो, एक BRDM वगैरह मिल जाए ना तो अच्छी बात है, पर अभी के टाइम में ना हर एक बंदे को देखता हूँ BRDM फोड़ ही देता है। और तभी देखो यहाँ पे BRDM लेके आता हूँ और पेड़ पे देखता हूँ एक बंदा है और मैं बस वेट कर रहा था बंदा कुछ गलती करे तभी मारूंगा, नहीं तो अभी कूदूंगा ना तो बंदे शायद मेरे को ही किल कर देगा। तो मैं बस वेट करता हूँ और तभी क्या सीन होता है, बस अब लोग यहाँ पे देखो। बंदा यहाँ पे थोड़ा सा गलती करता है कि पीछे जाने की कोशिश करता है जंप वगैरह करके और इसको भी इजी किल कर देते हैं। यहाँ पे टोटल 5 किल हो गया था और मेरे को बस अभी थोड़ा सा होल्ड करना है, क्योंकि मेरे पास जितना भी मैं बोलता हूँ ना 3-4 किल हो जाता है, मैं किल के चक्कर में नहीं जाता हूँ। और फिर मैं शैक पे एक बंदा दिखता है, मैं सोचता हूँ पावर वगैरह यूज़ करके मारूँगा और मैं प्रॉपर पावर यूज़ भी करता हूँ, पर यहाँ पे कोई भी मतलब फ़ायदा होता ही नहीं है। पता नहीं क्या सीन था, बंदे कहाँ पे था, मतलब एक भी गोली कनेक्ट नहीं हुआ। और मैं सोचता हूँ अभी दूसरी बार पावर यूज़ करने जाऊँगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि जोन भी क्लोज इन होने वाला था और मैं यहाँ पे जोन के अंदर एंट्री लेता हूँ और जोन में क्लोज इन मतलब जोन भी क्लोज इन होना स्टार्ट हो जाता है। तभी क्या सीन होता है देखना, पूरा मैं यहाँ पे चटनी बनने वाला हूँ। क्यों, मैं पीछे साइड सामने साइड आगे साइड चारों तरफ बंदे हैं, क्योंकि अभी भी देख सकते हो 4 बंदे लाइव है मेरे अलावा। सामने मतलब जो है शेक पे तो बंदा है और बाकी सारे बंदे मेरे पीछे हैं, मतलब चारों तरफ फैले हुए हैं। बस आप लोग देखना क्या सीन होता है यहाँ पे। मैं जब भी जोन क्लोज इन होता है तो जोन के अंदर एंट्री लेता हूँ और फिर यहाँ पे सीन देखो। यहाँ पे सीन देखा भाई, पे पूरा चटनी बन गया था, क्योंकि शैक वाले बंदा भी मार रहा है, पीछे से भी बंदा मार रहा है, साइड से भी बंदा मार रहा था, जिसके वजह से यहाँ पे सर्वाइव तो मैं नहीं निकाल पाता हूँ। फिर भी मैं #10 जो भी निकाला था भूल गया, मैं शायद 5 या 6 निकाला था #10 पे और यहाँ पे 18 का प्लस आराम से मिल जाता है। तो अब इजीली ऐसे खेलो आराम से तो आराम से आपको भी प्लस मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी गेम प्ले मैं दिखाता हूँ ना, मैं हमेशा बोलता हूँ गेम प्ले सिर्फ देखना नहीं है, थोड़ा सा समझना है कैसे मैं पुश कर रहा हूँ, कैसे मैं पोजीशन निकाल रहा हूँ। तो इस टाइप से अब सिर्फ सीख लो, जान लो कैसे पुश किया जाता है, कैसे मतलब सर्वाइव किया जाता है, थोड़ा सा देखना ज़रूरी है तो ही आपको कॉन्करर जो है ना आराम से लगा पाओगे। फिर देखो यहाँ पे इस मैच के बाद ना इस आईडी का जो रैंक है ना, आप लोग यहाँ पे खुद देख लो, क्योंकि देखो ये मैच में रिकवर जब कर रहा था ना तब के टाइम पर मैच है 750 के रैंक में आ गया था मैं, और मेरे को अभी भी शायद 20-22 का प्लस और निकालना पड़ेगा। निकाल लूँगा तो शायद मेरे का कॉन्करर हो जाएगा, क्योंकि देखो इस मैच के बाद ना मैं 1-2 मैच और खेला था तो मेरा करेंट का रैंक जो अभी बात करूँ ना 750 के आसपास, मतलब 650 के आसपास चल रहा है।
तो 20-22 का प्लस और चाहिए, तो देखते हैं कब तक निकाल पाता हूँ। तो हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मतलब कल और भी खेलना पड़ेगा। तो बस यही था आज के वीडियो में। और अब लोगों को पेड बूज वगैरह करना है ना, तो कमेंट पे मत लिखना, सीधी सी बात है, इंस्टा पे आके डायरेक्ट मैसेज करो मेरे को, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो बस यही था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल पे नया आए ना तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो मिलते फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।